अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शिमला में भी पोर्टमोर स्कूल में बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बेटियों के संरक्षण और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने भारत में हमेशा ही बेटियों को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है बात कही, लेकिन कुछ लोगों ने जो चाहते थे कि देश हमेशा गुलाम रहे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट कर लोगों को ये बताने की कोशिश की कि महिला को हमारे समाज में दूसरे स्थान में रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में महिला को माँ का दर्जा दिया गया है, बेटियों के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। वहीं शिमला के रिज मैदान में भी बालिका दिवस के अवसर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सेंटर फॉर चाइल्ड एंड वुमेन स्टडीज ऑफ युवसत्ता संस्था के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक कर बेटियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और बेटियों को पढ़ाने और संरक्षण करने का संदेश दिया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वंदना योगी ने बताया कि बालिकाओं के संरक्षण को लेकर कई कानून बने हैं, लेकिन उनकी जानकारी बेटियों को नहीं है, इसलिए आज बालिका दिवस पर लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये जो आज का दिवस मना रहे हैं, पूरे जगत में, विश्व में बालिका दिवस, ऐसी आफत हम पर क्यों आ पड़ी कि ऐसा दिवस मनाने की जरूरत है, इसका चिंतन होने की आवश्यकता है। अपने समाज में, मुझे तो शुरू में लगता था कि केवल अपने समाज में, अपने देश में ऐसा दिवस मनाया जाता है, परंतु धीरे धीरे पता चला कि पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। पश्चिमी देशों के लोग जो हमारे तरफ उंगलियां उठाकर बोल रहे थे कि अरे आपके देश में स्त्री वर्ग को नीचा द्वितीय स्थान दिया जा रहा है, उनके देशों में भी, उनके समाज में भी ऐसी ही अवस्था वहां है। हम सबको अगर अपने देश का विचार करने के लिए अगर हम बाध्य हैं तो मुझे लगता है हमको पीछे जाने की थोड़ी आवश्यकता रहेगी। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपनी पूरी संस्कृति में अपने स्त्री वर्ग को कैसे ऊंचा स्थान मिला है इसका उल्लेख किया है। मैकॉले जैसे लोग यहां आ गए जो चाहते थे कि अपना देश हमेशा के लिए गुलाम रहे, उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि यहां की संस्कृति विशेष जो शिक्षा के बारे में सोचती है उसको नष्ट करने की आवश्यकता है, और उनके अनुरूप, उनके विषय के अनुरूप, उनके विचार के अनुरूप उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ यहां प्रावधान किए, और हमको बताया गया कि आपकी संस्कृति में, आपकी विचारधारा में यहां स्त्रियों को द्वितीय स्थान दिया गया है और उसको हम मानने लगे। मुझे लगता है इस सोच को हमको बदलने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, परंपरा, इतिहास, अगर इसमें हम जाएंगे तो पता चलता है कि स्त्री वर्ग को हमने कितना ऊंचा स्थान दिया है, उनको अनेक प्रकार के नाम से हमने पुकारा है, उनका भजन किया है। आज के ही इन दिनों को, नवरात्रि के दिनों को अगर हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो पता चलेगा कि हमारी संस्कृति में, पूजा व्यवस्था में भी माँ दुर्गा का स्थान अत्यंत उच्च है। ये जो आज का दिवस मना रहे हैं, पूरे जगत में, विश्व में बालिका दिवस, ऐसी आफत हम पर क्यों आ पड़ी कि ऐसा दिवस मनाने की जरूरत है, इसका चिंतन होने की आवश्यकता है। अपने समाज में, मुझे तो शुरू में लगता था कि केवल अपने समाज में, अपने देश में ऐसा दिवस मनाया जाता है, परंतु धीरे धीरे पता चला कि पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। पश्चिमी देशों के लोग जो हमारे तरफ उंगलियां उठाकर बोल रहे थे कि अरे आपके देश में
स्त्री वर्ग को नीचा दुय्यम स्थान दिया जा रहा है, उनके देशों में भी, उनके समाज में भी ऐसी ही अवस्था वहां है। हम सबको अगर अपने देश का विचार करने के लिए अगर हम बाधित हैं, बाध्य हैं, तो मुझे लगता है हमको पीछे जाने की थोड़ी आवश्यकता रहेगी। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने अपने पूरे संस्कृति में अपने स्त्री वर्ग को कैसे ऊंचा स्थान मिला है इसका उल्लेख किया है। मैकॉले जैसे लोग यहां आ गए जो चाहते थे कि अपना देश हमेशा के लिए गुलाम रहे, उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि यहां की संस्कृति विशेष जो शिक्षा के बारे में सोचती है उसको नष्ट करने की आवश्यकता है, और उनके अनुरूप, उनके विषय के अनुरूप, उनके विचार के अनुरूप उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ यहां प्रावधान किए, और हमको बताया गया कि आपकी संस्कृति में, आपकी विचारधारा में यहां स्त्रियों को दुय्यम स्थान दिया गया है और उसको हम मानने लगे। मुझे लगता है इस सोच को हमको बदलने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, परंपरा, इतिहास, अगर इसमें हम जाएंगे तो पता चलता है कि स्त्री वर्ग को हमने कितना ऊंचा स्थान दिया है, उनको अनेक प्रकार के नाम से हमने पुकारा है, उनका भजन किया है। आज के ही इन दिनों को, नवरात्रि के दिनों को अगर हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो पता चलेगा कि हमारी हमारी संस्कृति में, पूजा व्यवस्था में भी माँ दुर्गा का स्थान अत्यंत उच्च है।